पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर है। इस क्रम में आपको बता दें कि सोमवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही सीधा भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे दिवंगत सुशील कुमार मोदी के आवास पहुंचे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे थे। आपको बताते चले कि सुशील कुमार मोदी कई दिनों से कैंसर से पीड़ित थे और इस क्रम में पिछले सोमवार को उनका निधन हो गया था, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई थी। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुशील कुमार मोदी के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पूरी खबर क्या है बताएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। तूफानी चुनावी दौरे कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पटना पहुंचे और सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सुशील मोदी के परिवार से मुलाकात की और उन्हें संतावना दी है। इसके बाद वो भाजपा दफ्तर पहुंचे और अटल सभागार में करीब 45 मिनट तक खड़े होकर पार्टी के सभी नेताओं से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि विश्राम राजभवन में करने के बाद मंगलवार को यानी कि आज सिवान और पूर्वी चंपारण जिलों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सप्ते के भीतर दूसरी बार पटना पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने स्वागत किया है। राजेंद्र नगर से प्रधानमंत्री मोदी सीधे वीरचंद पटेल स्थित भाजपा दफ्तर में कार्यकर्ता और नेताओं से पीएम मोदी ने बातचीत की और कहा कि तनाव मुक्त होकर काम करें। माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले चरणों के मतदान रुझान और अन्य तथ्यों पर जानकारी ली, साथ ही उन्होंने आगामी तैयारियों को लेकर सवाल किए। उन्होंने चुनाव तैयारी संबंधी पूरी जानकारी ली, चुनाव प्रबंधन में लगे कई नेताओं से 1-to-1 बातचीत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं की गर्मी से सुरक्षा, खाने और पीने के पानी जैसे बातों पर भी ध्यान दिया और पूछा कि क्या व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात में राजभवन में रात्रि विश्राम के बाद आज सिवान और पूर्वी चंपारण जिलों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बताते चले कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में 2 दिवसीय बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हुए हैं। इस कड़ी में जैसे ही कल पटना पहुंचे हैं, सबसे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे दिवंगत सुशील कुमार मोदी के आवास पर पहुंचे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।